हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल जॉब फिटनेस। मैं आपका फ्रेंड चंदन सिंह चौहान, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए प्रोडक्ट के साथ, एक नए रिव्यू के साथ। बात करूंगा एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो शायद हेल्प कर सकता है ऐसे लोगों को जो जिम में जाते हैं और जिन्हें ये नहीं पता होता कि उनका मेन टारगेट क्या है, कि उन्हें लीन बॉडी चाहिए, मास बॉडी चाहिए, उन्हें बॉडी टाइप क्या उन्हें चाहिए। जिम के अंदर जाके बस रुक गए और जिम जाके बस जिम शुरू कर दिया। तो आज हम बात करेंगे एक फूड सप्लीमेंट के बारे में जो कि है एक प्रोटीन, जो हेल्प करता है आपको मसल ग्रो करने के लिए। क्योंकि जब आप जिम जाते हैं तो सबसे पहले आपको अपना टारगेट सेट करना चाहिए कि आपको लीन बॉडी चाहिए या आपको मसल मास चाहिए। तो जो लोग जिम में जाके मसल मास गेन करना चाहते हैं ऐसे लोगों के लिए आज मैं रिव्यू करूंगा MuscleTech का Nitrotech परफॉर्मेंस सीरीज। ये प्रोडक्ट आपको हेल्प करेगा आपकी मसल बिल्डिंग के लिए, आपका मास गेन करने के लिए, जो कि आपका मेन टारगेट है जिम में जाके। यूजली ये एक बहुत ही रेकमेंडेड प्रोडक्ट है जो कि यूज होता है बहुत ज़्यादा और इसको यूज़ करते हैं बहुत सारे बॉडी बिल्डर, जो कि हेल्प करता है आपकी बॉडी के साइज को इंक्रीज करने के लिए। वाई Nitrotech? Nitrotech इसलिए क्योंकि आज सबसे पहले आज हम सिर्फ इसी का रिव्यू कर रहे हैं, तो मैं इसको किसी दूसरे प्रोडक्ट से मैं कंपेयर नहीं करूँगा क्योंकि इसकी इसका अपना एक क्लास है, अपना एक स्पेस है मार्केट के अंदर जिसकी वजह से लोग इसको लेना पसंद करते हैं। और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको Nitrotech के बारे में पता ही नहीं होगा कि ये क्या हेल्प करता है, किस तरीके से काम करता है। तो आज हम सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये क्या प्रोडक्ट है, किस तरीके से काम करता है। तो मैं बता दूं कि जिन लोगों का मेन टारगेट होता है कि जो लोग बहुत लीन हैं और उनको एक अच्छा मास चाहिए बॉडी के अंदर, और वो चाहते हैं कि उनकी बॉडी का साइज इंक्रीज हो, ग्रो अप हो और थोड़ा सा बल्की सा लगे और शेप आए, तो उनको MuscleTech का Nitrotech परफॉर्मेंस सीरीज यूज करना चाहिए क्योंकि ये वेट गेन करने में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करता है और आपको बहुत ज़्यादा मसल मास देगा गाइस। क्योंकि इसको मैंने पर्सनली यूज़ किया है और इसको यूज़ करके जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा करीब 5 to 6 kg वेट जो है मैंने इंक्रीज किया। मैं इसकी परफॉर्मेंस से बहुत बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। ये तो एक परफॉर्मेंस की बात कि आपकी साइज को इंक्रीज करता है। प्लस सेकंड हम बात करेंगे इसके चार्ज के, इसके सॉल्ट के, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से वो आपको हेल्प करती है। प्लस मैं साइड में इसका एक सॉल्ट चार्ट भी डालूंगा जो कि आप देख सकते हो, आप हेल्प भी कर सकते हो गाइस। इसके अंदर आपको प्रोटीन मिलेगा 30 ग्राम, इसके अंदर BCAA भी है, ल्यूसीन भी है, क्रिएटिन भी है, ग्लूटामिन भी है। आप यहाँ पे ये वाला चार्ट देख सकते हैं जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ गाइस। ल्यूसीन, BCAA, क्रिएटिन, ये तीन एक ऐसी चीज़ें हैं जो यूजली हमको मिलती हैं किसी प्री वर्कआउट के अंदर या ड्यूरिंग वर्कआउट के अंदर। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हो तो आपको पता चल जाएगा कि BCAA क्या काम करता है, ल्यूसीन का काम क्या है, क्रिएटिन का काम क्या है। तो ये एक अनडू एडवांटेज है इस Nitrotech के साथ, क्योंकि जो चीज़ें आपको प्री वर्कआउट में, ड्यूरिंग वर्कआउट में मिल रही हैं वो आपको आपके प्रोटीन शेक में मिल रही है। तो इट मीन्स कि आपको अलग से BCAA या क्रिएटिन खरीदने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये चीज़ें आपको इसके अंदर मिल रही है। अब शायद कुछ लोग आप में से ये सोचो कि इट माइट बी पॉसिबल कि इसके अंदर उस क्वांटिटी में नहीं मिलेगा जिस क्वांटिटी में हम डायरेक्ट सिर्फ प्योर BCAA या फिर क्रिएटिन हम खरीद के अगर हम इनटेक करते तो उसका रिजल्ट कुछ और होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप और बिल्कुल सही सोच भी रहे हैं, क्योंकि अगर आप मार्केट में जाके परचेज करते हो तो BCAA आपको प्योर BCAA मिल सकता है जो कि सिर्फ BCAA होगा, उसके अंदर और कोई दूसरा इंग्रीडियंट नहीं होगा। प्योर आपको क्रिएटिन मिल सकता है जिसके अंदर दूसरा कोई इंग्रीडियंट नहीं होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो और इसके साथ अगर आप BCAA और क्रिएटिन अगर आप ले रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल, जो उसकी क्वांटिटी होगी बहुत ज़्यादा हो जाएगी आपकी बॉडी के अंदर, विच इज़ नॉट गुड एनी हाउ फॉर योर हेल्थ। सो गाइज, हिंदी में कहावत है किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है, तो फ्रेंकली स्पीकिंग वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो क्रिएटिन और BCAA लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रिएटिन और BCAA की रिक्वायरमेंट
आपकी मसल टेक के बॉक्स से ही पूरी हो जाएगी, मसल टेक के प्रोटीन से ही पूरी हो जाएगी। और इसके अंदर दूसरी चीज़ें हैं, मैं आपको बता दूँ, इसके अंदर मिलेगा आपको कैलोरीज आपकी 160 ग्राम्स, कैलोरीज फ्रॉम फैट, और सैचुरेटेड फैट है इसके अंदर, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है 40 ग्राम्स, और शुगर है इसके अंदर 1 ग्राम, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल मिलेगा आपको 70 mg, प्रोटीन आपको जैसे मैंने बताया 30 ग्राम, इसके अंदर कैल्शियम है 320 mg जो कि आपकी बोन्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, सोडियम है 140 mg जो कि आपकी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करता है, और ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। बाकी इसके अंदर मैं बता दूँ, इसके अंदर ल्यूसीन, वे प्रोटीन, एल्यूसीन और वे प्रोटीन आइसोलेटेड, और यस मेन चीज़ इसके अंदर यही है, प्लस जो मैंने आपको दूसरी जो BCAA प्रोटीन और ग्लूटामाइन और ल्यूसीन के बारे में बताया, ये सारी चीज़ें हैं गाइस। और मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि ये बॉक्स मेरा वैसे ही ख़त्म होने वाला है, इसका जो स्कूप साइज है वो मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग प्रोटीन शेक अभी तक मैंने जितने यूज़ किए हैं, जितने मैंने रिव्यू किए हैं, जितने मैंने देखे हैं, सबसे बड़ा जो इसका स्कूप साइज है सबसे बड़ा है अभी तक का गाइस, सबसे बड़ा इसका स्कूप साइज, जो लोग इसे यूज़ कर चुके हैं वो जानते हैं इसका स्कूप साइज सबसे बड़ा है। इसकी पर सर्विंग के अंदर ये इसका जो स्कूप साइज है वो 44 ग्राम्स का है इसका, और अगर आप कोई दूसरा प्रोटीन अगर आप यूज़ करते हैं उसके अंदर जो उसका स्कूप साइज होगा वो हार्डली 25-30 ग्राम्स का होता है, तो 44 ग्राम्स के अंदर ओके। बाकी एक चीज रिव्यू करने से पहले मैं दिखा दूं आपको, ये क्रीमी वाइट फ्लेवर है, चॉकलेट क्रीमी वाइट फ्लेवर, कुकीज क्रीमी वाइट फ्लेवर है गाइस, और 44 ग्राम्स का इसका स्कूप है और 30 ग्राम प्रोटीन, मींस अगर आप इंटू करोगे 30 ग्राम प्रोटीन पर सर्विंग के अंदर 44 ग्राम का इसका स्कूप, तो एटलीस्ट करीब 68 ग्राम प्रोटीन जो है वो आपकी बॉडी को मिलेगा इसकी पर सर्विंग के अंदर, जिसकी वजह से इसका रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त है। और मैं आपको बता दूं, ये मिलेगा आपको कुकी एंड क्रीमी फ्लेवर में, इवन दो कि आपको चॉकलेट में भी मिलेगा, आपको वैनिला फ्लेवर में भी मिल सकता है, और इसको शेक करने का मैं एक ट्रिक बता दूं कि शायद इट माइट बी पॉसिबल कुछ लोग इसे शेकर में डालें और इसको आपने एक या दो बार शेक किया तो ये प्रॉपरली स्मूथ तरीके से ये मिक्स नहीं होगा वाटर के अंदर, आप इसको एटलीस्ट कम से कम 30 सेकेंड तक आप जब इसको शेक करोगे तो इसकी जो क्रीमीनेस है वो आपको फील होगी जब आप इसको लेते हो, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है, क्रीमी है तो आपको लगेगा कि शायद आप इसका जैसे आप दूध के साथ इसको ले रहे हो, लेकिन वाटर के अंदर भी ये सेम डेंसिटी देगा और क्रीमीनेस इसकी बहुत ही ज़्यादा रिच है, एटलीस्ट कम से कम डालो शेक के अंदर 30 सेकेंड तक आप शेक करो, उसके बाद में उसकी स्मूथनेस आप फील करोगे अपने टाइम के ऊपर, लेकिन अगर 30 सेकेंड तक अगर आप इसको शेक नहीं करते तो इट माइट बी पॉसिबल कि जो डिम्स होते हैं डिम्स मिल जाए आपको उसके अंदर शेकर के अंदर, और जो गांठे बोलते हैं हिंदी में आपको वो मिल जाए और ये प्रॉपर तरीके से मिक्स ना हो तो शायद कुछ दरदरा दरदरा सा आपको फील होगा। तो ये तो ही इसकी बात, इसमें आपको जैसे यहाँ लिखा 30 ग्राम प्रोटीन, 1 ग्राम शुगर, 3 ग्राम ऑफ केटीन, तो गाइस मैं और 6.9 ग्राम BCAA, 5.3 ग्राम ग्लूटामाइन, 3.2 ग्राम ल्यूसीन, गाइस मैं फिर से बोलूँगा अगर आप इसको ले रहे हो तो आपको BCAA और क्रिएटिन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये एक सिंगल सप्लीमेंट आपकी दोनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा, पूरा करेगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी कॉस्ट पड़ेगी आपको अराउंड 5-6,000 के बीच, अप्रॉक्स 5-6,000 का, 5,500-6,000 के बीच, और गाइस डुप्लीकेट नहीं लेना है, आप कोशिश करें कि आप किसी रेकमेंडेड शॉप से लें जहाँ पे आपको इसकी ऑथेंटिसिटी आप चेक कर सकें, जहाँ से आपको इसका पेन मिले, और अगर आपको डाउट लगता है कि ये शायद नकली हो सकता है या कुछ इस तरीके से तो आप उसको लैब टेस्ट भी करा सकते हैं। मैं जब भी लेके आता हूँ मैं हमेशा एक्सपोर्टर की सील पर जरूर देखता हूँ, और मेरी एक फिक्स शॉप है जो कि है कड़कड़डूमा कोर्ट के पास, CDX कॉम्प्लेक्स जो कि है हेल्थ कार्ड की शॉप, मैं हमेशा वहाँ से परचेज करता हूँ क्योंकि हर प्रोडक्ट के साथ मुझे वहाँ से बिल मिलता है, अगर मुझे किसी प्रोडक्ट में अगर कुछ गलत लगता है, अगर मुझे लगता है कि ये प्रोडक्ट फेक है तो मैं उनके ऊपर केस कर सकता हूँ, मुझे पता है कि ये शॉप यहाँ पे उन्होंने मुझे बिल दिया है, मैं उस बिल के भी आपको उनसे फाइट कर सकता हूँ। और सबसे बेस्ट है इन सारी चीज़ों से बचने से आप एक लैब टेस्ट करा लो, जब यार आप अपने सप्लीमेंट पर इतना पैसा खर्च कर रहे हो 150-200 रुपये का एक आपका
लेफ्ट हैंड सुबह जिसमें आपको क्लियरिटी मिल जाएगी प्रोडक्ट सी है या नहीं। तो गाइस मैं इसको दूंगा 5 में से 4 स्टार फॉर योर मसल गेन, जो कि हेल्प करेगा आपके मसल गेन के लिए, आपका वेट इंक्रीज करने के लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है मेरी तरफ से। और जिन लोगों ने यूज़ किया है आप उन लोगों के बारे में भी अगर आप जानना चाहते हो तो आप यूट्यूब पे जाके आप चेक कर सकते हो, इसके रिव्यू भी देख सकते हो। और वेट गेन करने के लिए बहुत ज़बरदस्त है, जो लोग बल्किंग कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है गाइस। तो ये था रिव्यू आज के इस प्रोडक्ट के लिए। अगर आपको किसी नए प्रोडक्ट के रिव्यू के बारे में चाहिए तो प्लीज़ डू कमेंट बिलो, ताकि मुझे पता चले कि आपको इसका रिव्यू कैसा लगा और नए प्रोडक्ट के बारे में किसके बारे में जानना चाहते हैं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हो प्लीज़ सब्सक्राइब, यार एक लाइक और सब्सक्राइब कर दो, रेड कलर का नीचे बटन है, अगर आप सब्सक्राइब करते हो आपका कुछ नहीं जाएगा, बस आपको फ्री में क्लिक करना है, उसके बगल में एक बेल आइकन होगा उस बेल आइकन को दबाओ, ताकि मैं फ्यूचर में कभी कोई फूड सप्लीमेंट का रिव्यू करके अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको उसकी वीडियो मिल सके। थैंक यू गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय।